हम सब मिलकर आगे किस तरह से जा सकते हैं, इस पर हम लोगों ने गहराई से बात की और ये बात तय हो गया कि कांग्रेस लीडरशिप को दिल्ली में जाकर वहाँ की स्थिति क्या है इस बारे में ब्रीफिंग करे। सो आई केम टू दिल्ली, आई हैड अ मीटिंग विद मिसेस गांधी, मिस्टर ए के एंथनी वाज ऑल्सो प्रेजेंट एंड आई ब्रीफ हर द ग्राउंड लेवल सिचुएशन ऑफ महाराष्ट्र। We have not discussed exactly about the formation of government and others. We just brief her what is the strength-wise position. NCP, Congress and some of the independents who are ready to help us. This is all that number is with us today. Last few days we are observing the Shiv Sena has taken very strong line against the BJP. They are consistently writing in their mouthpiece against BJP and they are also consistently demanding the government which they would like to form under their leadership, with the support of BJP, of course. But that is their internal issue. So I have briefed all these things to Mrs. Gandhi and we have decided to meet again. So when have you decided to meet again? I'll go to Delhi, Bombay tomorrow, discuss with my colleagues and then next day or day or two, I'll come back and then we'll listen. Sir, this ground level situation that you briefed Mrs. Gandhi about, does this mean that there is a possibility of alternative government minus the BJP? Ground level situation is such, what I believe, more of the people of Maharashtra as on today is against BJP, not favorable to BJP. But sir, is the Congress ready to support you, sir, and the Shiv Sena? No, we are not discussing that. You see, neither Shiv Sena has given me authorization. How can I talk on behalf of Shiv Sena? It is up to them. So, are you prepared to form a government, alternative government? So, at least as of today, that number is not with us. The mandate which has public at large has given to sit in opposition. But can't say what will happen in the seat. But sir, आप कहेंगे कि options खुले हैं अभी भी कि शिवसेना के साथ मिलकर आप लोग एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाए, इस तरह का बाहर से समर्थन कौन? इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है। सर, क्या आप मानेंगे कि जिस तरह से जो संख्या आई, लगातार देरी हो रही है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, शिवसेना ने भी बोला कि देरी हमारी तरफ से नहीं है, अभी वो गवर्नर से भी मिले, तो आपको लगता है कि ये लोग अननेसेसरी देरी हो रही है और महाराष्ट्र के वोटर्स के साथ इंसाफ नहीं? सीधी बात है कि बीजेपी और उनके साथीदार, उनके पास नंबर है, सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है, हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना अगर इनसे शिवसेना अगर चाहेगी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बने, तो क्या आपकी राय क्या होगी, आपकी पार्टी की राय क्या होगी? हमने किसी से तो बात तो नहीं की। शिवसेना इनके जो चीफ है उद्धव ठाकरे, इनसे हमारी बात नहीं किसी से, ना उन्होंने हमें प्रपोजल दिया ना हमने उनको प्रपोजल दिया। बट some would argue that शिवसेना इज रियली बेसिकली नाउ ट्राइंग टू bargain with the BJP, and that is the reason why they are using the NCP and the Congress to see whether they can form a government or look at the possibility, and that is why they are talking and taking an anti-BJP stand. But actually they are ideological partners and they have been together from the 90s. So are they using the NCP and the Congress? मुझे ये मालूम नहीं, मगर मैं जो देख रहा हूँ कि जो लिख रहे, इससे एक बात साबित होती है कि
उनको गवर्नमेंट की लीडरशिप चाहिए सर मराठी में। परंतु सर शिवसेना शिवसेना मंत्री 170 आमदार त्यांच्या सोबत आहेत, काय गृहित धरते का काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादीला शिवसेना? काय त्यांनी नंबर कुठनं काढला मला माहिती नाही सर। आज अधिक काय बघा सर, संजय राऊतांनी आज स्पष्ट केलं आहे सर, आपण क्या विल यू क्या एनसीपी शिवसेना बतौर शिवसेना सीएम को बैक कर सकती है, ये सब पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अभी किसी ने हमें पूछा ही नहीं तो हम कहीं के लिए जाकर उनको दे दो, किसी ने तो पूछना तो चाहिए सर। सर आपको क्या लग रहा है, क्या ये नूरा कुश्ती हो रही है क्या ये आपस में, क्या सर आपको लग रहा है क्या ये नूरा कुश्ती हो रही है, एक बार्गेनिंग गेम चल रहा है, एक ऑप्टिक लग रहा है क्या आपको? मुझे बार्गेनिंग गेम लगता नहीं, गेम सीरियस लगता है उन दोनों में, मगर वो कब खत्म होगा कैसे होगा ये मुझे मालूम नहीं। So you said you, sir, you said sir that you can't say what will happen. The fact is that you have been a player and in dono mein kya hoga sir, lekin shivsena ka untouchable hai aapke liye puri tarah se, kya shivsena untouchable hai aapke liye puri tarah se? humne inke khilaf chunav kiye, unhone hamare khilaf chunav kiye ji, to aap rule out kar rahe hain possibility puri tarah se? hamare paas number hi nahi to kya kare? लेकिन सर संजय राऊतांनी स्पष्ट केलं आहे की आमच्याकडे संख्याबळ पूर्ण आहेत, काय हे घरी दरज होईल की राष्ट्रवादीच्या ताकदीवर ते सध्या बोलत आहे काय माहित नाही, त्याचा कदाचित बीजेपीचा मोठा वर्ग त्यांच्यावर असाव शिवसेनेच्या संपर्कात। चला सर, आठ तारखेच्या अगोदर जर काय झालं नाही तर वाटत का की राष्ट्रपती काय ते मला सांगायचे, कसं मी सांगणार बीजेपीचे काही मिनिस्टर सांगतात त्यांना राष्ट्रपतींनी अथोराईज केलेले दिसते। एकंदर पुढे काय करायचं वगैरे असं म्हणजे यू हॅव अ गुड रॅपो विथ द सेना लीडरशिप विथ उद्धव ठाकरे, हॅव यू स्पोकन टू हिम, इज ही ओपन टू एन आयडिया, बिकॉज ही सेड ही डजंट वांट लीडरशिप? आय हॅव नॉट डिस्कस विथ एनीबडी इन शिवसेना। वो संजय राऊत केम एंड मेट यू? संजय राऊत ही मीट मी रेग्युलरली, he's my colleague in Rajya Sabha, we always meet. But there has been no talk about government formation? So because that formation discussion has to be with Uddhav Thackeray. सर क्या आपको लगता है अब राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प रह गया है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना किसी भी तरीके से टॉकिंग टर्म्स में नहीं आ रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति शासन ही विकल्प रह रहा है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अपोजिशन के लिए मैंडेट मिला है? हम तो नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है, जिनको नंबर दिया है, उन्होंने लोगों की समस्या हल करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। आज महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, ज़्यादा पानी से नुकसान हुआ है जगह जगह पर, सरकार वहाँ नहीं है, सरकार बनाने की जिम्मेदारी जिनको लोगों ने दी है उन्होंने अपना फर्ज बताना चाहिए, बस ये हमारा कहना है। सर महाराष्ट्र में आपने कहा कि एक और मुलाकात सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष से होगी, तो क्या कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाने के विकल्प खुले रखे हैं परिस्थितियों को देखते हुए? भाई हम मिलने वाले हैं, मिलने के बाद मैं कह सकूंगा शायद। सर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सीएम वापस आएंगे? नहीं सर, छोटा प्रश्न सर, एक प्रश्न सर, महाराष्ट्रामध्ये जी ओलू जे दुष्काळ पाण्याचं सरकार जे चालू आहे प्रकरण, या दरम्यान आता सरकार स्थिर सरकार नाही आहे, यावेळी शरद पवारांच्याकडून स्थिर सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न होतील? क्लिअरकट बहुमत असते तर शरद पवारांनी ही चर्चेची वेळ चालली आहे, आमचा प्रयत्न एकच आहे की आता ह्या संकटात सापडलेल्या लोकांना जाऊन मदत करेल। थँक्यू सर। तर सोनिया गांधींची भेट झाल्यानंतर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि बहुमत नाही असं त्यांनी सांगितलंय। राजकीय परिस्थिती नेमकी महाराष्ट्राची काय आहे हे त्यांनी सोनिया गांधींना सांगितले आणि आता पुन्हा एकदा त्यांची भेट घेणार असंही ते म्हणालेत। त्यांच्याकडे सत्ता, त्यांच्याकडे बहुमत आहे, त्यांनी सरकार स्थापन करावं असं देखील पवार म्हणालेले आहेत। सोनिया गांधींची भेट त्यांनी घेतली आणि त्यानंतर त्यांची पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी त्यांनी बरेच खुलासे केलेले आहेत, मात्र आता पुन्हा एकदा ते सोनिया गांधींची भेट घेणार आहेत।